हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज का रेसिपी है आम के पेड़े कैसे बनाना। आज हम देखेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली, तो हीट करके रखी हूँ। ये 350 ग्राम खोआ है, कढ़ाई में डालेंगे। अब इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का सा भूनने लग गए। ये इसमें एक दो मिनट के बाद हम आम का प्यूरी ऐड करेंगे। देखिए खोआ हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ये 350 ग्राम मैंगो प्यूरी। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे खोआ में। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला ली खोआ में। इसको जब तक पकाना है आप ये अच्छे से मिलके एकदम ब्राउन हो जाए और इसका खुशबू आने तक इसको पकाना है आपको। पर इसको छोड़ना नहीं है आपको, मिलाते ही रहना है, नहीं तो जलने का चांसेस रहेगा। एकदम अच्छे से कलर भी एकदम चेंज हो गया और इसका खुशबू आने लग गया। अभी अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम शुगर पाउडर, 25 ग्राम अखरोट की पाउडर बना के रखी हूँ, 25 ग्राम पिस्ता पाउडर, 1 स्पून इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से मिला ली मैंने शुगर पाउडर सारी चीजों को। अब इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। मैं इसके अंदर ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत ऐड कीजिए। एकदम थोड़ा सा देखिए ये बनके तैयार है। अब इसको हम ठंडा करके उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के रखी हूँ, ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा हाथों में घी लगा के इसको हम पेड़े का आकार देंगे। अब इसके ऊपर एक बादाम की टुकड़ा। सारे ऐसे बना के हम रखेंगे। मैंने सारे पेड़े बना के रखे। ये रोज वाटर है और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके छिड़केंगे। बनके तैयार है मजेदार आम के पेड़े। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।